हाय वेलकम आप सभी का ऑफिस के प्रीमिसेस इंडेक्टर दे जी। तो आज हम लोग देखेंगे आगे, सबसे पहले हमने बताया था आपको कि जो भी मटेरियल यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो हम लोग पीछे कंडक्टर के बारे में देखा था, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके टाइप्स, उसके उपयोग, कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कितने वोल्ट पर प्रयोग करते हैं, नमी में कौन सा करते हैं और टेंपरेरी के लिए कौन सा करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। लेकिन अभी जो बात करेंगे वो सेमी कंडक्टर की कहानी भी हम देख चुके थे। और याद रखिएगा, हम बताते समय अंतिम आपको ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी जो एनर्जी गैप होती है, जैसे मान लीजिए ये जो अपना मान लीजिए सेमी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन इसे जो बहने के लिए इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप आपको बताए थे इलेक्ट्रॉनिक्स बताते समय कि एनर्जी गैप सेमी कंडक्टर कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है, ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई अगर है किसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपका क्या कहते हैं चालक का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है वो इससे कम होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सेमी कंडक्टर में इसके रेजिस्टेंस, इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी सबके बारे में देखे। अब हम लोग सेमी कंडक्टर के बाद आते हैं किसमें, इंसुलेटर में, क्योंकि जहां भी आपका विद्युत का तार जाता है तो उसके ऊपर आवरण चलाया जाता है। पहले भी हम आपको बताएं आवरण होते हैं और इसमें जो वाइंडिंग होती है मशीन वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं, वाइंडिंग आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आपका कोई भी घर में मशीन हो तो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, अंदर में भी कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। ये इंसुलेटिंग मटेरियल कई जगह आप क्या करते हैं हीटर, गीजर, ट्रांसफार्मर इसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें कुछ पेपर लगते हैं, कुछ एस्बेस्टस वगैरह, कुछ हीटिंग मटेरियल लगते हैं, उसमें दूसरे को सेपरेट करने के लिए लगते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप इंसुलेटर, कई ग्लास लगा होता है, तो इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज हम इंसुलेशन मटेरियल्स। क्या इंसुलेशन मटेरियल्स? सबसे पहले विद्युत में जो भी इंसुलेटर यूज करेंगे, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे, उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। कहना कि अच्छा कुचालक जो है वाटर प्रूफ और नमी रोधी होना चाहिए। जो भी इंसुलेटर हो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली बात कि जब भींग जाता है, जब मॉइस्चराइज हो जाता है, तो उसके अंदर से क्या होता है सप्लाई एक तरफ से दूसरी तरफ बहने लगती है। इसलिए जो भी इंसुलेटर यूज करें उसके ऊपर इस पार से उस पार नमी का अवशोषण नहीं हो, यानी नमी रोधक होना चाहिए, ताकि उस पर किसी प्रकार के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़े। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात सही भी है, क्योंकि अगर नमी इस पार से उस पार चला जाएगा, जैसे तार है, तार पर पीवीसी होता है, और पीवीसी से नमी इस पार से उस पार चला जाएगा, तब तार को पकड़ेगा, आपको बिजली का झटका लग जाएगा। वैसे हम लोग क्या करते हैं तार को बारमुटी पूरी मुट्ठी से कप पकड़ के दबा देते हैं, फिर भी लाइन आपको नहीं लगता। कुचालक कभी भी ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है कि इसमें जो भी कुचालक का प्रयोग करेंगे ना वो उसमें आग तुरंत नहीं लगना चाहिए, धुआं धुआं हो जाएगा लेकिन आग नहीं लगना चाहिए। अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे आयरन है, आयरन अगर जलता है तो आपको उसका स्मेल आता है, ठीक है, बदबू आता है, और उसमें देखें आग बहुत ज्यादा नहीं लगता, धुआं धुआं हो जाता है, तो उसमें एस्बेस्टस वगैरह लगाते हैं, जो एस्बेस्टस आपके घर पे लगे होते हैं ना, तो उसमें आग नहीं लगता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हीट होता है बट आग नहीं लग सकता, क्योंकि उसका हीटिंग टेंपरेचर ज्यादा बहुत ज्यादा होता है। कह रहा है कि कुचालक की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कुचालक का मतलब ये मान लीजिए कोई अपना, जैसे मान लीजिए कोई डिवाइस है, तो मान लीजिए इसमें सटे इस सारे छूने पर लाइन नहीं लगे, इसलिए जो बॉडी या कुछ भी बनाएंगे कुचालक उसकी जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, वो अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ये बात आपको पता होना चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। क्या कुचालक यांत्रिक तौर पर मजबूत होना चाहिए? कुचालक पर किसी भी प्रकार का जो क्या कहता है रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, यानी कि नहीं पड़नी चाहिए। समझेगा, जैसे आपका बल्ब है, चलिए आपका स्विच है, तो स्विच वगैरह होना चाहिए कठोर होने चाहिए, ताकि क्या हो ऐसा नहीं दबाते दबाते उसका सिर पिचक जाए, पता चले अंदर घुसाएंगे स्विच ऑन करने के लिए उंगली घुस जाएगा, बस सिर्फ बदल नहीं जाए। इसलिए चाहे होल्डर लगाइए, होल्डर क्या करिए बल्ब लगाइएगा तब चिपक जाएगा, तो बल्ब लगेगा उसमें। या आप क्या करते हैं फैन या पंखा यूज करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ऐसा नहीं है कि बार बार पंखा चलेगा तो चिपक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैकेनिकल या यांत्रिक रूप से मुझे कठोर होनी चाहिए, कौन इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मटेरियल। और याद रखिए ऐसा नहीं कोई तेल गिर जाए, उसमें पेपर है, नॉर्मल पेपर पर तेल का बूंद गिर जाता है, पूरा पेपर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो, इसलिए क्या करते हैं कठोर और रासायनिक रूप से अभिक्रिया से एकदम विरोधी होनी चाहिए उसके। इसके गुण की बात करें तो कुचालक आसानी से बाजार में उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, मतलब ऐसा भी कुचालक नहीं हो कि जो बाजार में उपलब्ध नहीं, तो ऐसा भी कुचालक होने के लिए सस्ता भी होना चाहिए और आपके मार्केट में मिलना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा कुचालक का आप क्या करें ऑर्डर कर दिए जो आपके शहर में आए नहीं, पता चलेगा कि आपका काम होगा ही, इसलिए ऐसा भी होना चाहिए जो आपके शहर में क्या सभी जगह मौजूद हो। जैसे कोई आप मोबाइल लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो मजबूरी होता है, बहुत अच्छे फोन नहीं ले पाते हैं, बहुत अच्छे लैपटॉप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ का सर्विस सेंटर, मतलब सबको दिक्कत नहीं होता, जहाँ पर सर्विस सेंटर वहाँ के लोग ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर सर्विस सेंटर नहीं है जिससे उसके सामान गड़बड़ जाएंगे वो आपको जब सर नहीं मिलेगा तो सर में आप क्या करें नहीं लीजिए। जैसे कोई गाड़ी खरीदता है, कोई बाइक खरीदता है, डिफरेंट कलर का खरीदता है, जैसे कोई एक नया येलो ब्लू मिला कर ले लिया, उसका मोटर टूट जाएगा, टूट जाएगा तो आपको सभी दुकान नहीं मिलेगा, ब्लैक और रेड ब्लैक मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत समस्या उत्पन्न जाता है। इसलिए कुचालक भी ऐसा होना चाहिए जो आपके शहर में क्या होना चाहिए सही जगह पर सब जगह मौजूद होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करते जाइएगा, यह कुचालक की प्रॉपर्टी। इसी आधार पर कई सर कई प्रकार के क्या होते हैं कुचालक होते हैं, अभी सभी कुचालक के बारे में आगे देखेंगे, कुचालक के बारे में एसएसएस के बारे में चर्चा करेंगे। ये सबसे पहला माइका, देखिए माइका क्या अब्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं माइका, यानी अब्रक किसी को बोलते हैं। ये आपको याद होगा ये बहुत अधिक तापमान को बर्दाश्त करता है, बहुत अधिक तापमान को बर्दाश्त करता है, और माइका जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट बनाया जाता है। आपको पता है कैल्शियम और सिलिकेट वगैरह जो होता है वो चूना पत्थर वगैरह बहुत हार्ड होता है, जिससे आपको प्लास्टर पेस्ट बनाते हैं ना, तो कितना हार्ड होता है, तो ये भी दोनों को मिला दिया बहुत हार्ड होता है, और ये बहुत ज्यादा टेंपरेचर को भी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है वो बर्दाश्त कर सकता है। और विद्युत के लिए सबसे अच्छा कुचालक जब भी होगा वो क्या हो जाएगा, ये कहेंगे यहाँ एक बहुत अच्छा कुचालक है, याद रखिएगा विद्युत के लिए सबसे अच्छा कुचालक क्या होता है माइका होता है, यानी अब्रक होता है। तो याद होगा आपको जब कम्यूटेटर सेगमेंट बताए थे, आपको जब जनरेटर पढ़े मोटर पढ़े उसका कम्यूटेटर का सेगमेंट था वो कंडक्टर से कैसे भी अलग था, वियोजित था, उसके बीच में स्लॉट के सेगमेंट में के रूप में माइका का ही प्रयोग कर रहे थे सूची वगैरह सा। ऐसा पदार्थ जिससे कुचालक के सभी गुण मौजूद होते हैं, या वाटरप्रूफ होता है, नमी रोधी होता है, बात सही है, हमने पहली बार बोला कि कुचालक होना ही चाहिए और नमी रोधी भी होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस भी होना चाहिए बहुत अधिक होना चाहिए। इसका इस्तेमाल बिजली के प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर आयरन होता है ना, उसमें क्या होता है कि हीटिंग तो होता है, दो कॉइल होता है, कॉइल को इसी एस्बेस्टस पर रखा जाता है, आप खोल कर देखेंगे तो याद होगा, जो नहीं देखेंगे वो देखिएगा पेपर टूटा फूटा आयरन होगा, तो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है। इसे मान लीजिए जैसे आपके हीटिंग एलिमेंट है तो वो हीट होता है, तो इसी एस्बेस्टस पर रखा जाता है उसको, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और डायलेक्ट्रिक जो मीडियम है वो अधिक होता है, डायलेक्ट्रिक गुण मतलब विद्युत के सामने में होकर मरा हुआ जाता है, मतलब विद्युत इसके अंदर से इस पार से उस पार नहीं जाता है, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका वो भी क्या होता है अधिक होता है, समझिएगा। कह रहा है कि अब्रक जो होता है माइका वो 1200 डिग्री पर धीरे धीरे नर्म हो सकता है, ठीक है, माइका
याद रखिएगा 1200 डिग्री पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, यानी 600 से 800 डिग्री पर आसानी से काम कर सकता है। एक एक करके समझिए क्या कह रहा है, कहां चला गया। 1200 डिग्री सेल्सियस नरम होना शुरू होता है, परंतु 600 डिग्री सेल्सियस पर अच्छा कार्य करता है, टिकाऊ भी होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक आयरन कंप्यूटर सेगमेंट, कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर, ध्यान दीजिएगा कम्यूटेटर, अभी हम चर्चा भी किए थे। कम्यूटेटर सेगमेंट अधिक वोल्टेज के मशीन के स्लॉट, इंसुलेशन, कंडेंसर और इलेक्ट्रिकल के कई कार्यों में किया जाता है। कंडेंसर यानी माइका कैपेसिटर, आप लोग पढ़े थे, तो माइका कैपेसिटर के निर्माण में भी क्या होता है, ये याद रखिएगा। माइका कैपेसिटर में यानी माइका इंसुलेटिंग बीच में डाला जाता है, दो प्लेटों के बीच में माइका का प्रयोग करते थे, तो माइका कैपेसिटर होता था जो अधिक टेंपरेचर भी बर्दाश्त करता था। ठीक, ये आपका माइका है, और याद रखिएगा वो पूछा जाता है माइका जो है विद्युत का सबसे अच्छा है, कंप्यूटर सेगमेंट में माइका का प्रयोग किया जाता है, हीटर जो भी है कंप्यूटर सेगमेंट के समय प्रयोग किया जाता है, और नमी रोधक होता है, वाटर प्रूफ तो होता ही है, इसलिए इसको क्या करते हैं, क्लीन कर दें और इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह रबर, रबर का प्रयोग करते हैं बैटरी के कवर बनाने में, आप बहुत सारे मटेरियल बनाने रबर का प्रयोग करते हैं, रबर जो होता है सबसे पहले रबर जो होता है लचीला होता है, तो इसको हार्ड करने के लिए अपना जो टीवी का कवर है वो रबर का होता है, प्लास्टिक का होता है, जो फैन होता है, फैन का भी जो पंखी होता है प्लास्टिक का होता है, वो क्या होता है हार्ड होता है, हार्ड क्यों होता है, एक्चुअल में जो शुद्ध रबर है ना वो लचीला होता है, स्पंजीकरण होता है, तो उसमें क्या होता है सल्फर की मात्रा मिला देते हैं, और जब सल्फर की मात्रा मिला देंगे यानी गंधक मिला देंगे, गंधक सल्फर क्या होते हैं, गंधक बोलते हैं इंग्लिश में, सल्फर बोलते हैं, तो कितना मिलाएंगे 5%, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप रबर में 5% क्या करते सल्फर डालेंगे वो क्या होगा हार्ड हो जाएगा, हार्ड प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, कुर्सी अगर आप लेते हैं हार्ड प्लास्टिक का उसमें वही कहानी होती है, पता सुधरबर बहुत ही नरम होता है, इसलिए इसके अंदर 5% गंधक यानी सल्फर, सल्फर और अन्य खनिज पदार्थ मिलाकर 150 डिग्री तक क्या करता है गर्म करके बनाया जाता है, यानी 150 रबर को 150 डिग्री में गर्म करिए और सल्फर मिला करके फिर उसके बाद क्या करें, जिस शेप में आपको लाना उसके सांचे में डाल करके वो चीज़ आप निर्माण कर सकते हैं, खिलौना का पंखा का जो व्हील घिरनी होता है जिसे हवा लगता है पंखी जिसको बोलते हैं, जिसको विंग्स बोलते हैं, वो आप बना सकते हैं, टीवी का कवर बनाते हैं, बैटरी के कवर में प्रयोग करते हैं, बहुत सारे जगह लोग क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं, मोबाइल के कवर में भी इसका प्रयोग करते हैं, मतलब क्या करते हैं कठोर बनाते हैं, रबर पर पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये प्लास्टिक जो है आप पॉलिथिन एक प्रकार का प्लास्टिक है, ये अगर नमी पानी में छोड़ दो या जमीन के अंदर डाल दो ये जल्दी डिजॉल्व नहीं होता है, यानी क्या गलता नहीं, ये समझ रहे हैं आपको, ये देखिए क्या कि लेकिन रबर पर तेल या ग्रीस का प्रभाव पड़ता है, हाँ लेकिन रबर पर क्या होता है तेल या ग्रीस का क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या करता है उसको डिजॉल्व करता है, थोड़ा सा कमजोर कर देता है, कहता है इसमें गंधक मिले होने के कारण तांबे की तारों पर चढ़ाने से पहले इसकी टीनिंग की जाती है, टीनिंग मतलब किया जाता है ताकि गंधक तांबे की तारों को खराब नहीं करे। देखिए जो आपका कॉपर होता है कॉपर के साथ अगर सिल्वर सॉरी कॉपर के साथ अगर सल्फर का मिलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रिएक्शन करेगा, जैसे आप कॉपर के बर्तन को वातावरण छोड़ देते हैं तो उसमें नीले नीले कलर का धब्बा आ जाता है, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा उसका रासायनिक क्रिया कर लेता है वातावरण के ये एनवायरनमेंट से, कहा कि जो आपका रबर है इसका इस्तेमाल तांबे की तार के ऊपर इंसुलेशन लिया जाता है, पीवीसी में क्या बोला जो आपका रबर है बीआईआर वल्कनाइज आयरन रबर सॉरी वल्कनाइज इंडियन रबर, ये सब क्या होता है, ये सब तांबे के ऊपर में आपका काला वाला पीला वाला जो आपका इंसुलेशन लगाता है ना वो यही होता है, रबर का ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका ग्लोव्स बनाने के लिए प्लास्टिक का, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी लैब में या बिजली पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ग्लोव्स दस्ताना जिसको बोलते हैं, दस्ताना बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, रबर का प्रयोग करते हैं, देखिए वर्कशॉप में जब जाओगे तो इसका प्रयोग पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि जो पैराविद्युत सामर्थ्य डायरेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है 400 केवी पर सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए 400 केवी मतलब 400,000 वोल्ट प्रति सीएम, इसका जो लेयर होता है ये 1 सीएम का जो पतला रबर होगा वो 400,000 वोल्टेज के आसपास नहीं जा देगा, यानी इसलिए बोलते हैं 400 केवी। खरा कि सेफ्टी टेम्परेचर क्या होता है, खरा कि सेफ्टी टेम्परेचर का मतलब ये कितने टेम्परेचर तक ये नहीं गलेगा, नहीं मेल्टिंग होगा, नहीं इसका कोई शेप में परिवर्तन नहीं होगा, तो याद रखिएगा ये अपना कितना होता है 40 डिग्री सी, याद रखिएगा 40 डिग्री सी तक ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लास्टिक होते हैं कोई डब्बा होता है थोड़ा सा आग के संपर्क में आता क्या होता है वो शेप बदलने लगता है, वो लचीला होने लगता है, इसलिए क्या करें इसको 40 डिग्री सी तक इसका सेफ्टी टेम्परेचर है, वर्किंग टेम्परेचर काम करने का है, किसी इसका रबर का ये नोट करिएगा, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आप लाइन किए आप उसी तरह लाइन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करें कि बेकेलाइट का, अब बेकेलाइट बहुत ज्यादा यूज होता होगा, बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट भी एक अच्छा कुछ अलग होता है जिसका इस्तेमाल बिजली के सामान बनाने में करते हैं, बिजली के सामान बनाने में यानी जो आपके होल्डर्स हैं स्विच हैं आपके जो भी पुश बटन वाला सिस्टम होता है स्विच वगैरह डेटा के होते हैं इसका प्रयोग करते हैं बेकेलाइट का, फ्यूज के बेस बनाने में भी करते हैं कभी कभी, सबका डिपेंड है कि यह पाउडर के रूप में पाया जाता है, सबसे पहले बेकेलाइट पाउडर के रूप में पाया जाता है लेकिन बाद में सांचे में डाल करके एक निश्चित आकार का बना लिया जाता है, सांचे में डाल करके मतलब जिस शेप आपको बनाना है पाउडर डालिए उसमें लिक्विड मतलब द्रव डाल करके उसे जिस सांचा में डालना है जिस शेप में बनाना है डाल करके वो अपना शेप बना सकते हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, कहता है इसका इस्तेमाल जो सबसे ज्यादा वो स्विच बनाने में करता है सॉकेट बनाने में होल्डर बनाने में किया जाता है, बेकेलाइट याद रखिएगा जो आपका होल्डर है ब्लैक कलर का प्लास्टिक दिखता है आपको वो बेकेलाइट है और जो स्विच जो दिखता है आपको वो क्या है वो भी बेकेलाइट है, जो आपका सॉकेट होता है वो भी ज्यादा बेकेलाइट का ही होता है, ज्यादा याद रखिएगा, फिर आपको पोर्सलिन वाला होता है पोर्सलिन जो पत्थर वाला चीनी मिट्टी वाला होता है ना तो वहाँ वो भी प्रयोग किया जाते हैं, ज्यादा वो वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है हीट का ज्यादा मामला ज्यादा बनता है, बेकेलाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर टेंपरेचर का मामला बनता है ये आग लग सकता है अगर वर्कशॉप हीटिंग सिस्टम यहाँ पर अधिक होगा वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करते होल्डर बनाने के लिए बेकेलाइट का, नॉर्मली अपने घर में 220 वोल्ट 250 वोल्ट के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसका, ठीक है या 440 वोल्ट पर चल जाएगा वहाँ स्विच और फ्यूज होगा वहाँ पोर्सलिन का बनाया होता है चीनी मिट्टी का बनाया होता है, ठीक है आप क्या नोट करिए बेकेलाइट के बारे में, बेकेलाइट क्या है एक प्रकार का प्रतिरोधक है जो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी में का जो सामान बनाते हैं एसेसरीज बनाते हैं उसमें प्रयोग करते हैं, एसेसरीज मतलब एसेसरीज का मतलब स्विच बल्ब होल्डर ये जो आपका है सॉकेट ये सब आपका एसेसरीज कहलाता है, एसेसरीज में हम देखेंगे इसको नोट कर लीजिए ये, चलिए ठीक है और बात करें एस्बेस्टस का, एस्बेस्टस के बारे में बात करें तो एक बार आपको बता दें कि एस्बेस्टस जो पीला व्हाइट भूरा कलर का होता है जिसका आपका शेड बनाते हैं कोई होल या बनाते हैं तो उसके ऊपर डालते हैं, एक होता है टीना वाला टीन एसएन वाला स्टील वाला जो रहता है टीना वाला होता है, एक होता है एस्बेस्टस वाला, तो एस्बेस्टस की बात करें यह पदार्थ है यह अच्छा कुचालक है सबसे अच्छा कुचालक भी है और तापरोधी भी होता है, तापरोधी मतलब टेंपरेचर के रेजिस्टेंस का काम करता है टेंपरेचर ये बर्दाश्त कर सकता है बहुत, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट से बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट से बना होता है ये बात आप याद रखिएगा, कह रहा है कि और यह फायर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ का मतलब क्या होता है अगर किसी घर में आग लग गया तो सभी सामान में लगेगा लेकिन ये जिस घर पर होगा ऊपर से इस पर आग नहीं लगेगा, कह रहा है दूसरा उष्मा रोधी मतलब हीट भी बर्दाश्त कर सकता है हीट के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, कह रहा है कि जो एस्बेस्टस है एस्बेस्टस
ये इस पर रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नमी का नमी को भी क्या करता है, सोख लेता है। ध्यान दीजिए, बरसात के मौसम में जब देखोगे आप, ये नमी को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। दूसरा ये क्या होता है, ये आग नहीं लगता है। ये बात आप इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये आग नहीं लगता है और टेंपरेचर को भी बर्दाश्त करता है। और केमिकल इक्वेशन भी, यानी केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन की बात है, रासायनिक प्रक्रिया मतलब कोई भी चीज वातावरण प्रतिक्रिया करके जल नहीं जाएगा, टूट फूट नहीं जाएगा आसानी से। अगर हम बात करें इसका इस्तेमाल प्रेस, ओवन, बिजली की केतली इत्यादि में किया जाता है। देखिए प्रेस में तो कहते हैं हमने क्या कहा कि प्रेस होता है उस पर कॉइल होता है, तो कॉइल को नीचे में आपका मीटर होता है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं रखा जाता है। हो सकता है कॉइल अगर इस पर सटेगा डायरेक्ट, मतलब कॉइल जो बेस पर सटेगा, आपका जो आयरन होता है ना उधर में लोहा वाला जो होता है उस पर अगर डायरेक्ट कॉइल रखेगा तो उसमें आपका करंट आ जाएगा, बिजली का सप्लाई आ सकता है। इसे क्या करते हैं, उसके ऊपर में एक मटेरियल एस्बेस्टस रख करके और कॉइल को एस्बेस्टस पर देते हैं। एस्बेस्टस बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट होता है उसके हीट को क्या करता है आपका आयरन या प्लेस का आयरन का बेस होता है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसका करता है आपके कपड़े को आयरन कर सकता है। वहां पर प्रयोग करता है एस्बेस्टस का, उसे वहां पर आग नहीं लगता, ठीक है। इतना ज्यादा हीट होने के बाद काला कलर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आग नहीं लगेगा, पाउडर बन जाएगा, आग नहीं लगेगा। इसका इस्तेमाल ओवन का, प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस में करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस और करते हैं ओवन में, ठीक है। ओवन, ओवन में क्या करता है, समोसा वगैरह जो आप गर्म रखते हैं ना, समोसा पेटी वगैरह, ये सब ओवन में प्रयोग करते हैं। दूसरा विद्युत केतली, इलेक्ट्रिक केतली में भी क्या करते हैं, बात सही है, जब पानी गर्म करके रखते हैं विद्युत केतली, याद है कि विद्युत केतली वैसा इतना बड़ा होता है, इसमें क्या होता है, स्विच होता है, यहाँ पर दो लाइन देने वाला होता है, इसके अंदर कमरा होता है, इसमें पानी गर्म कर सकते हैं, कुछ भी गर्म कर सकते हैं। यहाँ जो बेस है तो बेस में क्या होता है, प्लेट होता है, उस प्लेट के नीचे क्या होता है, जो कॉइल लगा होता है ना, तो कॉइल के ऊपर एक बार एस्बेस्टस रख दिया और फिर वो टीना या जो भी स्टील का प्लेट होता है वो देते हैं ताकि वो हीट होता है, इसमें पानी देंगे क्या होता है, गर्म होता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई पर चलने वाला केतली होता है, आधा लीटर, एक लीटर, दो लीटर, तीन लीटर आपको मिलता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक केतली। इस क्वेश्चन में एक बार पूछा था कि एस्बेस्टस की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो कितना होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होगा तब तो वो इलेक्ट्रिक को बर्दाश्त कर पाएगा जी, और विद्युत के लिए कुछ अलग काम करेगा। कह रहे हैं तापमान आराम से जाने देता है, ठीक है, लेकिन विद्युत को जाने नहीं देगा। कह रहे हैं कि एस्बेस्टस का जो प्रतिरोध है वो 1.6×10⁵, कितना 1.6×10⁵, यहाँ पर लिखा गया किसमें, ओम सेंटीमीटर, याद रखिएगा ओम सेंटीमीटर लिखा गया है, नहीं पर ओम मीटर लिखा हुआ रहेगा उसके लिए अलग बात हो जाएगा, याद रखिएगा। यही आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। स्क्रीन कर देते हैं भाई, ठीक है, आइए हम लोग बात करें, लिखिए नोट कर लिए एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के बाद हम लोग देखिए, एक होता है पोर्सलिन, क्या होता है पोर्सलिन, ये जो पोर्सलिन होता है चीनी मिट्टी का, हम लोग इंसुलेटर पढ़ा टाइप ऑफ इंसुलेटर, वहाँ पर इस बारे में चर्चा किए थे आपके लिए। क्या कहते हैं कि पोर्सलिन जो है एक सिरेमिक मटेरियल है, सिरेमिक मटेरियल हार्ड मटेरियल है। कह रहे हैं कि जो चीनी मिट्टी और क्वार्टज पत्थर से बनाया जाता है, चीनी मिट्टी या क्वार्टज पत्थर से बनाया जाता है, इसको इसको क्या कहते हैं, भट्टी में प्रयोग कर सकते हैं, भट्टी सॉरी ये जो सारी मटेरियल चीनी मिट्टी सबको इस शेप में लाने के लिए क्या कहते हैं, भट्टी में 1200 से 1400 डिग्री तक पर क्या करता है, गर्म करके बनाया जाता है पोर्सलिन को। जब गर्म करेगा नहीं, हीट नहीं होगा, तो वो जिस शेप का बनना चाहिए, ये शेप वगैरह देखने का इस आकार की नहीं बनेंगे, तो ये होते हैं पोर्सलिन चीनी मिट्टी वाला। अगर इसका बर्तन बनाने में भी करते हैं, जो बड़े होटल्स वगैरह होते हैं, जहाँ बड़े रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, तो इसका प्रयोग डिजाइन के लिए जो करता है, पत्थर प्लेट प्लेट फूट भी सकता है, पोर्सलिन प्लेट की बात करें, और कुछ सजावटी बर्तन बनाते हैं, जहाँ पर देखिए आप घड़ा वाला ऐसा बनाता है, डिजाइन होता है अच्छा, आप देखेंगे सर देखिएगा पोर्सलिन बर्तन, उस पर डिजाइन फूल वगैरह बनाया जाता है, ये तो वहाँ पर होता है, क्योंकि फूटता नहीं, टूटता फूटता नहीं है। कराए सजावटी समय यहाँ पर विद्युत इंसुलेटर, विद्युत इंसुलेटर ऐसा बना, जो इंसुलेटर आप पर इंसुलेटर देते थे ट्रांसमिशन लाइन में, वो पोर्सलिन के ही बने हुए थे, और ज्यादा वजन भी होता है, स्विच का बेस बनाने के लिए, ये स्विच है भाई आपका, स्विच आपका फ्यूज है, ध्यान दीजिए फ्यूज है, ये फ्यूज आपको याद किटकैट फ्यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किटकैट फ्यूज बोलते हैं, ये पोर्सलिन के बने होते हैं, ज्यादा वोल्टेज के लिए, ये होल्डर होता है, ये होल्डर है पोर्सलिन का, हम लोग बेकेलाइट का बात करेंगे, ये पोर्सलिन का होल्डर है, ये हीट तो होता है, बस आग नहीं लगता है, 200 वाट के हाइड्रोजन बल्ब वगैरह रखा जाता है, इसी में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दूसरा ट्रांसफार्मर के बूसिंग, ट्रांसफार्मर के बूसिंग की बात करें, देखिए ट्रांसफार्मर है, क्या ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर में जो सप्लाई लेने के लिए और सप्लाई आउटपुट देने के लिए, इनपुट आउटपुट देने के लिए, ये दो बूसिंग का प्रयोग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बूसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बूसिंग बोलते हैं। ये किस चीज के बनते हैं, सारे सारे बने होते हैं, वो पोर्सलिन के बने होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं, याद रखिएगा। विद्युत के लिए ये बहुत बड़ा इंसुलेटर कुछ अलग का काम करता है, ये सारे सारे मटेरियल है आपका, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजली में इलेक्ट्रिकल में आपके पूछे जाते हैं, ठीक। आइए अब थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं ताकि आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्या करें, इसका जो अपना ये इंसुलेटर है ना, उसको कई सारे बढ़ाए, तो इंसुलेटर को कई सारे क्लासिफिकेशन में बांटे गए, तो क्लासिफिकेशन के नाम क्या होते हैं, इस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, ये कितना टेंपरेचर बर्दाश्त कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किसी भी चैप्टर में आपको पूछता है, इसके लिए ये लिमिट नहीं है कि आपको यहाँ हम जहाँ बता रहे वहीं पूछेगा, जहाँ भी इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, कई प्रकार के, कई वर्गीकरण में, कई वर्ग में इसको बांटा गया है, इस वर्ग को, इस वर्ग में टेंपरेचर के आधार पर बांटा गया, याद रखिएगा। सबसे पहला बात कि कौन कौन से क्लास में इसको बांटा गया, सबसे पहले क्लास वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी, याद रखिएगा कहाँ से शुरू हुआ, लास्ट वाला वाई, जेड से पहले वाई, वाई, वाई के बाद इधर से, उधर से वाई, इधर से ए, ई, ई, ए के बाद बी नहीं, ई के बाद बी, ठीक है, अभी के बाद एफ, एफ के बाद एच, एच के बाद सी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई जो है इसमें समझिएगा, याद रखने के लिए, वाई के बीच में क्या 90 डिग्री का कौन समझ लीजिए, कितना 90 डिग्री का कौन, ये वाई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ओ, ये तीनों वी ओ, ये नाम भी इसको लिख देता है, तो वाई श्रेणी का, वाई क्लास का जो इंसुलेटर है, तो वाई क्लास का इंसुलेटर 90 डिग्री तक के तापमान को बर्दाश्त कर सकता है, कितना 90 डिग्री के टेम्परेचर क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, इस बात को समझिएगा। कहा है कि इसमें क्या होता है, कागज, कॉटन, सूती, ये सब क्या होता है, 90 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त करेगा, लेकिन सूती में कपड़ा में देखेंगे वो लाल वाला दिखता है, वो जलता है, लेकिन धुआं दिखता है, लेकिन आग नहीं रहता, धंधुरा मतलब फ्लेमिंग, आग नहीं रहता, फ्लेम नहीं होता है, धंधुरा इसको बोलते हैं आपका, क्यों नहीं होता है, आना बात ये कहने का मतलब, कितना वाई क्लास का, अब ये क्लास में देखिए वाई के बाद बढ़ेंगे ना आप, तो खाली 15 डिग्री जोड़ दीजिए, सर 15 जोड़ दीजिए, वाई में अगर 15 जोड़ोगे तो जाएगा ए, वाई में 15 जोड़े तो ये ए हो जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री सेल्सियस में अगर बात करोगे, ये वाला इसमें आता है रेशम, इंटीग्रेटेड पेपर और रेजिन, इंटीग्रेटेड पेपर मतलब संश्लेषित रबड़ होता है, क्या होता है, संश्लेषित रबड़ बोलते हैं हिंदी में, याद रखिए ये जाए 105 में 15 जोड़े क्या जाएगा ये, ठीक है ना, देखिए क्लास आपको बता दें कि ये सब 20 है ना, ई हो गया, लेदराइट पेपर और एम्पायर क्लॉथ, एम्पायर क्लॉथ क्या होता है, याद रखिएगा, वाइंडिंग करते समय वायर को, वाइंडिंग को मोटर वगैरह में टाइट करते हैं, तो ये एम्पायर क्लॉथ होता है, एम्पायर क्लॉथ कपड़ा बोलते हैं। 130 में देखिए 130 कौन बी, ऐसे बताओ यार, ये देखो ए इसमें 3 दिख रहा है ना, बी में क्या दिख रहा है, बी में ऐसा ऐसे लिखो ना बी, इसको 130 समझना, ऐसे ऐसे ये 3 इस पर जोड़ लगा दो, ये बी क्लास बी का टेम्परेचर है, किसका है, क्लास बी का, और वाई बराबर 90 डिग्री, वाई के बीच में 90 डिग्री समझ लेना, कौन का ये हो जाएगा 90 डिग्री, वाई 90 90 में 15 जोड़ो तो वाई के बाद क्या ए, 90 में 15 105, ए के बाद एक बार डायरेक्ट बी नहीं, देखो ए के बाद डायरेक्ट बी नहीं, ई, ई में 15 जोड़ो, ई में 15 जोड़ेगा क्या जाएगा, 105 में 15 120 वाई,
ए ई बी ए ई पी, ये वाला में देखो बी वाला में 131 यहां तक 15 जोड़ के बी का कर सकते हो बी वाला। उसके बाद क्या जोड़ना है, फिर 15 जोड़ के बी ई का 120 हुआ, तो इसको इसमें 10 जोड़ेंगे 131 होगा। एफ एफ में देखो इतना से 5 लिखते हो ना, एफ लिखते हो ये कैसा लिखते हो ना, ऐसा लिखता है कि 5 यानी एफ वाला में लिखेगा 155 ऐसा, एफ एफ वाला दो गया वाला 155 वाला 155 डिग्री में एफ एफ 55 एफ 155 डिग्री सी एफ का स्पेसिफिकेशन लेते हैं। उसमें क्या क्या रखते हो भाई, ये माइका वार्निश, माइका वार्निश क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ट्रांसफार्मर के कोर को जो लेमिनेट करते हैं तो उसमें क्या वार्निश डालते हैं, और वाइंडिंग भी करते हैं तो उसमें वार्निश डालते हैं ताकि वो क्या इंसुलेटेड भी हो और मैकेनिकली फिट भी हो और टाइट भी हो। पता है कि एच जो है एच एच है माइका फाइबर ग्लास एस्बेस्टस, यानी एस्बेस्टस हाई टेंपरेचर वाला, सब हाई के हाई वाला था, एच एच मतलब हाई, एच से ऊपर समझेगा एकदम पूरे 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 हाई, हाई से भी हाई, वहाँ हाई एक्स्ट्रा हाई बोलेगा, हाई में 180 डिग्री 180 डिग्री माइका फाइबर ये एस्बेस्टस आता है। और सी जो है सबसे लास्ट में सी, सोच जाओ सी सिट यार सबसे लास्ट में सी आ गया, 180 डिग्री से अधिक के टेंपरेचर को जो इंसुलेटर बर्दाश्त करता है वो क्या होता है क्लास सी टाइप होता है 180 डिग्री से ऊपर। और इसमें क्या क्या आता है, माइका तो आता ही आता है, टेफ्लॉन आता है, पोर्सिलिन आता है, पोर्सिलिन तो चीनी मिट्टी और पत्थर है, माइका भी सबसे ज्यादा तापमान बर्दाश्त कर सकता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले माइका सबसे अधिक तापमान बर्दाश्त कर सकता है माइका, क्योंकि 180 डिग्री में क्या आया माइका आया, उसके बाद पोर्सिलिन आया, टेफ्लॉन भी आया, ठीक है टेफ्लॉन। ये बात याद रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन आपको पूछ लेगा वो डिग्री बता देगा। 155 का क्या होगा, 55 में आप जैसे दिखता है क्लास एफ, 130 में 1-3 लिखो तो बी वाला दिखता है डी क्लास हो गया, वाई को लिखो वाई में कौन बनता है तो अपना संपूर्ण ले लो या 90 डिग्री लो, आपको 3-4 अगर याद है तो बाकी आपको याद हो जाएगा। अंतिम में सी, सी सबसे ऊपर, सी सबसे ऊपर, सी सबसे ऊपर 180 डिग्री से ऊपर, सी से पहले एच देखो, सी से पहले एच, एच में हाई, हाई मतलब 180, अभी हम आपको बिना कहे आपको देखिए। सबसे पहले वाई, वाई में कोना होता है, कोना होता है ना एंगल, एंगल होता है 90 डिग्री, संपूर्ण वाला वाई, वाई का कितना 90 डिग्री याद रखिएगा, तापमान आपको बहुत ज्यादा पूछता है। वाई के बाद ए, वाई अंतिम में फिर शुरू करो ए, तो 90 में 15 जोड़ दो, ए हो गया 105 डिग्री, 105 ए 105 ए 105 हो गया, और ए के बाद बी नहीं ई, बी नहीं ई, ई हो गया 120, ई के बाद फिर क्या है ई के बाद बी लिखो, ई में 120 है सकता है, ई में 120 है ना 15 जोड़ते उसमें, अब इसमें 10 जोड़ो बी 130 13 बी का इस्तेमाल करता है, एफ 55 वाला एफ का, और सी तो सबसे लास्ट में आया ऊपर, और ये याद रखिएगा ठीक। चलो आगे बढ़े, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये कहानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार किसी भी चैप्टर में इसको आपके रास्ता पूछ सकता है। सबसे अधिक बर्दाश्त करता है कौन, एस्बेस्टस सॉरी माइका पोर्सिलिन टेफ्लॉन, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, अब जो होगा इंसुलेटर का खत्म करते हैं, जो भी तार था इंसुलेटिंग मटेरियल सेमी कंडक्टर था ये इंपॉर्टेंट वाला था, बाकी जो एक दो होगा आपको उसको पढ़ लीजिए, उसको कोई दम नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, पढ़ाने के लिए वो चीज होना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये तो आपको बता रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल जहाँ जहाँ पढ़ लीजिए। लॉजिक आता है, अब आता है इलेक्ट्रिकल क्या सामग्री, इलेक्ट्रिकल सामग्री का मतलब इलेक्ट्रिकल कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में कई सारी चीजें आती हैं, जब इलेक्ट्रिक को आपको यूज करना है तो तार भी चाहिए, तार लगाने जो बल्ब लगाएंगे तो होल्डर भी चाहिए, बल्ब को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग स्विच, कंट्रोलिंग सामग्री भी चाहिए, कंडक्टिंग सामग्री भी चाहिए, और बल्ब जो है बल्ब को आप किसी दीवार पर लगाते हैं तो बल्ब ऐसे थोड़ी रखा देते हैं, उस पर चिपका देते हैं, गुब्बारे वाला बल्ब देने क्या करते हैं गुब्बारे को चिपका देते हैं, कोई होल्डिंग नहीं, लेकिन बल्ब को क्या होता है उसको होल्डर में घुसाना पड़ता है, तो ये होल्डर भी होता है, और याद रखिए पंखा वंखा लगाते हैं हम लोग, पंखा लगाते हैं रोज, सीलिंग रोज लगाते हैं, ये सब मटेरियल क्या है एसेसरीज कहलाता है, स्विच बल्ब होल्डर सॉकेट पिन ये सब क्या कहलाता है एसेसरीज, यानी इलेक्ट्रिकल सामग्री कहलाता है ठीक। इलेक्ट्रिकल सामग्री की बात करें, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज की बात करें तो कौन कौन से सामग्री होते हैं, किस किस कैटेगरी में इसको रखते हैं ये पहले हम समझ लेते हैं, पहले कैटेगरी तो समझ लो किस किस कैटेगरी में रखते हैं, क्या रखिए आइए बताते हैं आपको किस किस कैटेगरी में आप रख सकते हैं। सबसे पहले समान विद्युतीय उपसाधन इसको बोलते हैं, उपसाधन मतलब सामग्री, सामग्री मतलब एसेसरीज बोलते हैं, कि यह घरेलू उपसाधन वह मौलिक भाग है, वह इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका प्रयोग सुरक्षा और समंजन के लिए अथवा विद्युत परिपथ को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। समझने का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं घरेलू उपकरण को चालू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसे अपने लेवल पर काम करने के लिए, पंखा है तो पंखा आपको कितना हवा देगा, कितना हवा चाहिए कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए, तो कह रहा है ये सारे सारे जो इसमें इसमें क्या क्या उपयोग करेंगे, यानी कि आपको कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई पहुंचाने के लिए, कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, जो जो चीज का प्रयोग सारी सारी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल उपसाधन यानी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज कहलाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए कह रहा है कि सबसे पहले जिसको डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट में बांटते हैं, सबसे पहले कंट्रोलिंग एसेसरीज होता है, कंट्रोलिंग एसेसरीज में जैसे आप पंखा को कंट्रोल करते हो, रेगुलेटर लगाते हो, बल्ब को बंद करना है तो स्विच लगाते हो, याद रखिएगा आप पंखा को चालू करना है आप कह रहे स्विच लगाते हो, ये सब जो बल्ब को जलेगा बंद करेगा कंट्रोल में रखेगा उन सारे चीजों को क्या बोलते हैं, उस सारे एसेसरीज, वो सारे सामान, वो सारी सामग्रियां क्या कराती है कंट्रोलिंग सामग्री कराती है, एसेसरीज कराती है। दूसरा धारक उपसाधन, धारक मतलब होल्डिंग एसेसरीज, होल्डर एसेसरीज, जैसे ट्यूबलाइट है उसको होल्ड करना, बल्ब है तो होल्ड होना चाहिए, कहने का मतलब होल्डिंग करके पकड़ करके रखने के लिए होना चाहिए, इसको होल्डिंग एसेसरीज बोलते हैं। दूसरा सेफ्टी एसेसरीज, इंपॉर्टेंट देखिएगा, सेफ्टी एसेसरीज आजकल बहुत ज्यादा उपयोग हो गया, क्या पता कोई डिवाइस चल रहा है अचानक करंट बढ़ जाएगा वोल्टेज बढ़ जाएगा तो सप्लाई को काट करके क्या होना चाहिए उसके डिवाइस को सुरक्षित रखेगा, डिवाइस आपका खराब नहीं रखेगा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग करेंगे, जैसे एमसीबी फ्यूज ये सब क्या है सुरक्षा यंत्र है, आपको पहले भी हम क्लियर कर बताए थे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो हम बता रहे थे आपको। आइए इन सामान उपसाधन में, और कुछ सामान उपसाधन जो इन सबको फिट करने के लिए स्क्रू होल्डिंग ये सब चीज लगाते हैं, इस सामान उपसाधन में आते हैं, इसके बाद ये आप नोट करिए तब हम देखिए ध्यान दीजिए आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या है कंट्रोलिंग स्विच, आज इसका नाम देख लेंगे अब सर हम इसको अभी देखेंगे, अब देखते कहाँ तक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए सबसे पहला क्या है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग एसेसरीज, कंट्रोलिंग एसेसरीज में क्या होता है कंट्रोलिंग मतलब सबसे पहले स्विच होता है, स्विच जो होता है वो क्या करता है किसी भी घर में वो आपके जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस का मतलब घरेलू उपकरण, घरेलू उपकरण का मतलब बल्ब पंखा ट्यूबलाइट पार्टी लैपटॉप टीवी फ्रिज वाशिंग मशीन ये सब गीजर आयरन ये सब आता है घरेलू उपकरण में आता है। अभी इसको नियंत्रण करने के लिए हर चीज में क्या स्विच लगा होता है, अब तो रिमोट कंट्रोल भी आ गया तो स्विच कंट्रोलिंग डिवाइस में आता है, याद रखिएगा ये कह रहा है कि एक स्विच एक ऐसी होती है जिसे विद्युत परिपथ में फेज को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, और याद रखिएगा स्विच जब भी लगेगा दो तार आता है अपना, एक आता है फेज एक आता है न्यूट्रल, तो यहाँ मान लीजिए कि बल्ब लगाना है तो यहाँ पर आपका लगाना फ्यूज को लगाना है, फ्यूज क्या लगेगा फ्यूज हो या स्विच हो, फ्यूज हो या स्विच हो ज्यादा फेज में लाइव वायर में लगाना हुआ चाहिए। उपसाधन का निर्धारण डिटरमाइनिंग ऑफ एसेसरीज की बात करें तो उपसाधनों के मानक स्टैंडर्ड करंट
निराई कितना 6, 16 और 32। पहले कितना कुछ 5, कुछ 15 एम्पियर में थे, लेकिन स्टैंडर्ड मानक क्या रखा गया 6। सभी कुछ कंपनियां 5 एम्पियर भी बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या होते हैं 6 एम्पियर, 12 एम्पियर और 32 एम्पियर में आपको बनाता है स्विच को। करें BIS 1293 नंबर है 1, 2, 9, 3 और नियम कितना 1988 के अनुसार आपके स्विच होने चाहिए 6 एम्पियर, 12 एम्पियर, 32 एम्पियर। यही तो हम लोग यूज करते हैं, 440 वोल्ट तक हम लोग यूज करते हैं, तो वहां तक आपको कितना 32 एम्पियर तक की फ्यूचर देखा करूँ। हम लोग के घर में हम लोग यूज के लिए नहीं है, ज्यादा एम्पियर वाला बात करिए तब वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो चला जाएगा। आइए थोड़ा सा क्लीन करें और हम लोग बात करें कि कहां से क्या होगा। बात करिए फ्लैश अब स्विच के बारे में, स्विच कितने प्रकार होते हैं, कहता है कि फ्लैश स्विच, टू वे स्विच कहते हैं, इंटरमीडिएट स्विच, बेल स्विच, टमलर स्विच, सिंगल वे स्विच और भी स्विच अपना, ये देखिए बैंड स्विच, नाइफ स्विच, रोटरी स्विच, स्लाइड स्विच और ये टमलर स्विच। याद रखिएगा ये स्विच का सभी का प्रकार है, कितना स्विच का प्रकार है सब, रोटरी स्विच वगैरह। अब नेक्स्ट जो है अभी जस्ट क्या कहते हैं, ये सभी स्विच के बारे में देखें, ठीक है। अभी ये क्या था, नियंत्रण उपसाधन में आता है सबसे पहला, कंट्रोलिंग एक्सेसरीज में आता है स्विच, और स्विच के नाम है अब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी एक्सेसरीज को लेकर के, ठीक।